What's up guys, welcome back to another video from the channel Thugesh। वीडियो का टाइटल है बॉयकॉट उर्फी जावेद, क्रिंज इंस्टाग्राम रीलर्स। तो देखो, थगेश की वीडियो हमेशा सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से होती है, तो सिर्फ इसको एंजॉय क्या करो, कभी किसी के लिए हेट मत फैलाया करो। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, देखते हैं मस्ती मजाक वाली वीडियो। और फेवरेट या मस्त एंटरटेनिंग रापची क्लिप कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और लाइक करना मत बोलना, और बैकग्राउंड कैसा लग रहा है बताना। दोस्तों कोई अगर लाइट सजेस्ट करना चाहे, बैकग्राउंड में कोई लाइट हम लगा सके तो आप जरूर सजेस्ट करना, हमें मिल नहीं रही। थगेश वाली अच्छी लग रही है मेरे को, थगेश की उठवा लूं। करते हैं शुरू वीडियो। रेडी थगेश भाई, आपने कमेंट किया था लाइट बता देना। इंस्टाग्राम रील्स इंटरनेट का एक ऐसा कोना जहाँ पर आपको 90% क्रिंज कंटेंट मिलता है और बाकी 10% मेरे रील्स होते हैं। ओहो ये भी ठीक है, रॉयल स्टाइल कर दिया। वेलकम वेलकम पर वेलकम Welcome, 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 welcome। Episode of the real review। Yes, internet का सबसे लफड़ेबाज सीरीज। चाइना वाले बॉर्डर पे इतने लफड़े नहीं करते जितने मेरे real review लफड़े करते। अच्छी। साथी सब। अजय देवगन। नाश्ता करा तरन देख ली अपने लोगों ने अजय देवगन जी के, और बताई ये रेट्रो टाइम का अजय देवगन। अजय देवगन तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ अगर अजय देवगन की शादी रेमो डिसूजा से हो जाती, उसका बच्चा होता तो ऐसा। में विमल खाने वाला अजय देवगन, ये है रियल में विमल खाने वाला अजय देवगन। एक्चुअल में अपनों ने लूटा है, बाहर इसलिए खाना खा रहा है क्योंकि ऐसा हुलिया बनाकर जब घर पे खाना मांगता होगा ना, भूख लग रही है बहुत तेज भूख, बोलते होंगे आता माजी सटकली रहे, मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। इधर याद है, अच्छा बहुत सारे टी शर्ट में आदमी कहीं देखा देखा नहीं लग रहा है, थगेश नहीं लग रहा है। देखो यार ये खबरेश इस चैनल पे इतना चल रहा है कि मेरे को रोजी रोटी चलाने रियाज भाई का आदमी बनना पड़ रहा है। और शक्ल मिल रही है, होगा नहीं वैसे शक्ल मिल रही है। जा रे मैं इनका बॉडीगार्ड नहीं हूँ, मैं स्लीपर सेल हूँ। इनके ग्रुप में जाकर चुपके से इनका इन्फॉर्मेशन अकाउंट डिलीट कर दो। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। Maybe not tomorrow and maybe not the next month, but only one thing is true. Wow. I will be champion one day. I'll be champion one day. Wow. ये वो लड़का है ना, ये तो वही है ना। मैं गरीब हूँ। हाँ। गाड़ी ले ली। गाड़ी ले ली। आप अमीरी दिखाकर अमीर बन सकते हो, और ये लड़का एक प्रूफ है कि आप गरीबी दिखाकर भी अमीर बन सकते हो, समझ रहे हो। और इसका यूजर नेम तो देखो इंस्टाग्राम पे अभी तक गरीब बॉय है। देखो अगर इसको गरीबी बोलते हैं ना, तो आधा इंडिया गरीब। मुझे भी ऐसे होना है प्लीज यार, ऐसा चाहिए। ये बंदे का रियल नाम है सावन, एंड ये इतना बरस रहा है आजकल। इसको कोई बताओ, सिर्फ कार लेना चैलेंज नहीं होता, वो तो EMI पे भी आ जाती है। I will not only screenshots. I will not only screenshots. I will have money to buy. I will have money to buy. ये थगेश है ना, मैंने देखी थी इसकी वाली रील। रियल चैलेंज है पेट्रोल, जो कि EMI पे नहीं आता है। पेट्रोल चीज बढ़िया है, एकदम रापची चीज है। अच्छा, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना। मैंने भी कार ले ली, लेकिन पेट्रोल के चक्कर में हम भी मैं गरीब हूँ। सही है भाई, इसकी तो निकल पड़ी। अभी अपना क्या प्लान? भेल एंग्री भेल वाला, एंग्री भेल गुस्से में कहे। हैपेंड व्हाट, हैपेंड व्हाट एंग्री भेल। अनफिल्टर्ड चैनल नहीं है इसलिए मैं फूड रिव्यू नहीं करूंगा। हां कैसा रही है, लेकिन ये भेल वाला इतना गुस्से में क्यों है? पर आपको लगता है ये भेल वाला किसी के जैसा तो दिख रहा है? मैं नहीं बोलूंगा, कमेंट करके बताना। कमेंट करके बताओ। पता होता है ना कि लोग भेल बेचने लग जाते हैं। पता ये मेट्रो के वहाँ अभी तो एक मेट्रो के ट्रेन से देखूंगा तो मैं क्या करूंगा? पहली चीज, पहले तो मैं चेन खींच के ट्रेन रुकाऊंगा, फिर जाके नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करूंगा। ये है वैभव दीक्षित। अभी इसमें से वैभव कौन है मेरे को मालूम नहीं, बट इनका शौक है रेलवे स्टेशन पे नाचना। यस देखो इनको सामने कटोरी रख देते ना, इतने पैसे आ जाते ना, 4 दिन बाद करना भी नहीं पड़ता। कौन है ये? अच्छा हमेशा रेलवे स्टेशन पे, लेकिन डांस के सही है, स्टेप्स अच्छे हैं। लेकिन स्टेप्स अमेजिंग है इनके। देख भाई यही चीज कुर्ला स्टेशन पे करके बताओ। कोरोना के साथ साथ तुमको भी चुरा ले जाएंगे। ये तो बेसिकली मुंबई के रेलवे स्टेशन, इनके फेवरेट रेलवे स्टेशन से डांस करने। तो ये भी चाहते हैं कि देश की पॉपुलेशन कम हो, लोग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होते हैं, बॉस की गालियां खाकर आते हैं, जब रेलवे स्टेशन पर इनको डांस करते हुए देखते हैं तो वही ट्रेन के सामने कूद जाते हैं। बस किडिंग भाई, ऐसा कोई नहीं करता। इनको देख के लोग खुश होते हैं, खुद तेनी भाई बेटर फील करते हैं कि साला 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, बॉस की गाली खा रहा हूँ, लेकिन ये तो नहीं कर रहा एटलीस्ट जीवन में। कैसे देगा प्लेटफॉर्म टिकट के साथ साथ एक रियल टिकट भी दी जाए इन लोगों को। हाँ। आपको बता दूं ये जहाँ पे नाच रहे हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, जिसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उस टाइम पे इसको क्वीन विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था। ये क्वीन विक्टोरिया ने जब 50 साल रूल किया था इंडिया में, उस खुशी में बनाया था। अच्छा, एंड आज हम उसी स्टेशन पे ठुमके मार के रील्स बना के अपने साथ मत जोड़िए हमको। गुड जॉब, अपने साथ मत जोड़िए। अच्छा वही है, अब स्टेशन पे नहीं है, लेकिन डांस अच्छा है। हाँ, डांस अच्छा है। ये देखो पीछे अंकल अपने बच्चे को ऊपर ले लिया, आंटी अपने बच्चे को साइड से लेके जा रही है। कोई चाहता नहीं कि हमारे बच्चे इसको देखे और ये सीखे ना, पीछे इसको पब्लिक न्यूसेंस बोलते हैं। अगर पुलिस को मालूम पड़ा ये हो रहा है, भाई सीधा अंदर जाओगे। ये दिखाया मैंने, मरीन ड्राइव जाना बंद कर दिया है। मुझे फास्ट फॉरवर्ड में ज़्यादा फनी लग रहा है। तो कैमरा लाइट स्टैंड वगैरह लेके, और मेरे को मना कर दिया क्या अलाउड नहीं, ये सब अलाउड है। मजाक बना के रखते हो। लोग विंडो से बैठ के सोच रहे होंगे कि अभी मस्त व्यू मिलेगा बाहर, कुछ देखने क्या मिलता है, डांस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। देखो भाई लोग डांस अच्छा कर रहे हो, लेकिन जहाँ कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। मरना है क्या? इसकी ड्रेस बना देगी। अबे इसकी ड्रेस बन गई। अच्छा मतलब लोग पत्थर मार रहे थे, पत्थर का ड्रेस बना दिया। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। दीवाना पागल है, पत्थर से कपड़ा बनाना आता है साले को। दो भाई दोनों तबाही, दो भाई दोनों तबाही। सामने खुद को दिखाते ना कि मैं सामने हूँ जैसे। बढ़िया रेट क्या हुआ है ग्रीन स्किन है हर चीज। भाई चल जब मैंने ये किया था मेरे पे मोलेस्टेशन का केस हो गया था। कैसे कैसे टच कराया। ऐसी लव स्टोरी है ना बस रील्स पे चल सकती है, वरना ऐसे रियल में ये जैकेट वाले आशिक जेल में होते और ये टी शर्ट वाले कहीं अपनी नस काटने की धमकी दे रहे होते। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, आप हमें पहचानते हैं बस इतना ही। देख कितनी जल्दी ये अच्छा लगता है जब रिक्रिएट होता है ना कई बार ये चीजें इस तरीके से। मस्त फनी भाई भी तैयार होके बैठ गया। कोई तो आओ, कोई तो आओ। ये मैं कह रही हूं रुको जरा, बख्श दो मुझे। पता नहीं है, सॉरी पता नहीं है, रद रहे ना रहे। जय भवानी। अच्छा वो है नहीं कपूर नाम में आदित्य। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर एक इन्फ्लुएंसर के साथ रील बना रहे, और आदित्य रॉय कपूर और उनकी टीम को लग रहा है कि ये रील देख के लोग मूवी देखने जाएंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बोले हो रहे तुम लोग बहुत। ऐसी रील देख के आपका मूवी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, डिमोशन हो रहा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये मस्त लगता है अपने घर भैया, मैं तो टूट गया। पता है करियर कैसे स्टार्ट किया था? ये चैनल वी पे एक वीजे था, वीडियो जॉकी। फिर इसने लंदन टीम्स और वो अक्षय की मूवी आई थी ना एक्शन रिप्ले, इसमें साइड रोल एक्शन रिप्ले तो पता था मुझे, में लीड रोल मिला। और अब टिकटॉकर के साथ स्लो मोशन वॉक कर रहा है। करियर ट्रैजेक्टरी सही नहीं लग रही मेरे को, तुमसे ना हो पाएगा। लोग कहते हैं कि ओम मूवी फ्लॉप होने का रीजन खराब वीएफएक्स और स्टोरी था, नहीं रीजन ये था। अच्छा ओ भाई आधी ऑडियंस को समझ गया था कि मूवी प्रमोशन इतना लो एफर्ट है, तो मूवी कितना लो एफर्ट होगा। बात तो सही है, ये प्रूफ है भाई कि इनके साथ अगर शाहरुख खान भी कोलैब कर ले ना, तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा स्लो मोशन वॉक ही करा देंगे। स्लोमो वॉक मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छा ऐसे करके जिंदगी भर यही कर रहा हूँ, इधर आके भी यही करना पड़ रहा है। Anyways, तो पिछली बार आपने हमारे नए सेगमेंट को बहुत सारा प्यार दिया, तो ब्रिंगिंग वंस अगेन हमारा ब्रांड न्यू सेगमेंट माइक ड्रॉप। माइक ड्रॉप, अरे वाह, मिस कर रहा था मैं। यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट की पंच लाइंस होती है। लेट्स गो। मिस कर रहा था, रोटी नहीं खाई इसने 4 दिन से, मिस कर रहा था। माइक ड्रॉप। रील क्रिएटर्स के जीवन में इतने कम अचीवमेंट्स है कि अगर इन पे बायोपिक बनी तो उसकी ड्यूरेशन भी एक रील जितनी होगी। फुल फॉर्म ऑफ रील क्या है? R for repetitive, T for extra cringe, E for extra fake और L for lusty content। जब रील का फीचर नया नया आया था, तब लग रहा था कि इंस्टा के बीच बीच में रील्स आ जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि रील्स के बीच बीच में थोड़ा सा इंस्टा आ जाता है। इंस्टा आ जाता है। थगेश भाई, बट लोग बोलते हैं कि काफी सारे रीलर्स भी टैलेंटेड है। हाँ, वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो सारे रीलर्स है। खुद को एक बार एक रीलर कहता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ और मेरे पेरेंट्स ने भी लाइफ में बहुत बुरे बुरे दिन देखे, एंड मैंने बोला हाँ, और उनमें से वर्स्ट था तेरा जन्मदिन। उससे बुरा दिन कोई नहीं हो सकता। और कुछ भी बोलो, एक क्रिंज रीलर को मेकअप करने का अच्छा नॉलेज होता है, क्योंकि ऐसी रील्स बनाने के बाद मुंह छुपाने की आदत होनी चाहिए ना। फायरी मोड वो भी खतरनाक वाला। मुझे लगता है गूंगे लोगों के लिए क्रिंज रीलर बनना इज द बेस्ट प्रोफेशन, क्योंकि उसमें सिर्फ लिप सिंक करना होता है। आई नो पिछला वाला जोक थोड़ा डार्क था, जस्ट लाइक क्रिंज रीलर्स का फ्यूचर। ओवर। अब बॉलीवुड को भी ना मूवीज की जगह क्रिंज रील्स ही बनानी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है तो 3 घंटे क्यों करना, 1 मिनट में कर दो। कैसे को कैसे कर दिया। एक बार एक क्रिंज रीलर ने मेरे को बोला कि भाई इंटरनेट पे सारे टॉपिक्स ही खत्म हो गए, किस पे वीडियो बनाऊं। मैंने बोला भाई वो टॉपिक्स है, तेरे पेरेंट्स के होप नहीं। अच्छे टॉपिक्स पे भी रील्स बनती है, मेरी रील्स देख लो। That's it for my drop segment। आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। अभी चैनल पे बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तुम लोग वीडियो देख के भाग जाते हो। तुम लोग का ऐसा अंदर लगता नहीं कि रात को सोने टाइम यार थगेश भाई का वीडियो देखा लेकिन मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा लगता है भाई। सही बात, साइड में देखना किसने लगा रखी है। बिल्कुल सही बात यार, तुम हमारी वीडियो तुम्हें लगता नहीं यार कि वीडियो तो देख के सब्सक्राइब नहीं किया। नहीं, हमारे साथ उल्टा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने सब्सक्राइब तो कर लिया और हमारी वीडियो नहीं देखते। हमारे सब्सक्राइबर तो हो रहे हैं, हमारे व्यूज नहीं आते। तो बाकी वीडियो मजेदार थी। एक जैसे हो कि वो पत्थर ऐसे कह रहे तो ड्रेस बना दी। हाँ, उसका तार। लेकिन एक चीज है कि वो जिनको मैंने वो देखा कि वो डांस करा होता है, वो जो कर रहे थे डांस का मतलब सिंक्रोनाइजेशन अच्छा है, स्टेप्स अच्छे हैं, लेकिन जगह ठीक है। मेरे हिसाब से वो पब्लिक एंटरटेन करने जाते हैं, इतना उसपे ट्रेन वाले उसपे। इट इज देयर चॉइस। बाकी मजेदार क्लिप्स थी। और एक वो ये जो माइक ड्रॉप वाला कैसा था ना, लेकिन नहीं कौन एग्री करेगा कि वो वाला लुक था कि जो बहुत दिल जले टाइप मूवी के टाइम में आता था। जो एक बाइक आती थी, कौन सी थी, RX 100 थी, कौन सी, उस पे बैठ के दोनों बाइक पे पैर रख के खड़े होके जो आता था, वो उस टाइप के स्टंट थे। और वो कितनी जल्दी भाई ने मैकडी वाला वो बनाया खुद को कि मैं तैयार हूँ, आओ बैठो। वो बढ़िया था। एक वो कौन सा था वो उस मेट्रो वाला, नहीं मेट्रो वाला तो देखा, वो वाला था लिफ्ट वाला जो बनाया था। नहीं, एक गरीब बॉय ने, वो जो लड़का है उसने गाड़ी ले ली। ये चीज़ है कि बोलते हैं तुम ये देखो कि कोई कुछ भी करता है कंसिस्टेंसी से करते रहो काम, देख लो। हाँ यार, ये चीज़ भी है। लेकिन उसने पॉइंट सही बोला, गाड़ी लेना वो नहीं, EMI पे पेट्रोल नहीं आता, पेट्रोल भैया बहुत महंगा, ये वाली बात तो है। बाकी अगेन एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो थे ना, आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय करोगी। तो कमेंट करके बताना फेवरेट मूवमेंट। मिलते हैं आप लोगों के साथ, बाय, टेक केयर।